दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल का नाम है गुरु रेमडी। अब हम बताने जा रहे हैं LPP के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चैप्टर है, उसमें जो सॉल्व करने के तरीके बताए थे मैंने आपको तीन, जिसमें आपको एक बताया था पेनाल्टी मेथड या वोगल्स मेथड वाला। तो उन तीनों मेथड से हम करते क्या थे, BFS निकालते थे। अच्छा, आपने पहले भी देखा है कि हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन BFS ये सब निकालते थे। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए MODI मेथड है। MODI मेथड, मॉडिफाइड मेथड, आप जानते ही हैं मोदी जी हर जगह छाए हुए, जब पॉलिटिक्स हो गई, अब मैथ, हमारे मैथ BSc थर्ड ईयर में मोदी जी फेमस हो गए, तो मोदी मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम ये इसलिए होता है इससे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं। अगर पेपर में आ गया कि सॉल्व या लिखकर आ गया फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो उसके लिए वो करना क्या होता है, सबसे पहले हमको पेनाल्टी मेथड से एलोकेशन करना होता है, उसके बाद ही हम MODI मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, पूरा MODI मेथड क्या है हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, आप बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए पूरा एक सेल आपको बता देते हैं, जैसे जैसे ये पूरा है, तो एक ये सेल है, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सब सेल्स हैं। ठीक है, एक सेल है, तो ये मान लेते हैं एक पूरी सेल है। ठीक, इस सेल के अंदर क्या क्या समाया हुआ है, एक CIJ समाया हुआ है, एक UI+VJ समाया हुआ है, एक है DIJ। DIJ को हम बोलते हैं इवेल्यूएशन। ठीक, DIJ कैसे निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस CIJ-UI+VJ। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूले कुछ होते हैं, देखिए ये फॉर्मूला होता है CRS का फॉर्मूला होता है UR+VS, या अगर आप इसको CIJ को लिखेंगे तो UI+VJ होता है। ठीक है, CIJ आपका क्या चीज़ है, CIJ आपका ऑक्यूपाइड सेल है, जो कि आपकी ये वैल्यू निकालेंगे, किससे ये वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है, और UI+VJ अनऑक्यूपाइड सेल है। ठीक, और DIJ क्या है, अनऑक्यूपाइड सेल है। ये क्या है, ये दोनों जो मान निकलेंगे वो CIJ की हेल्प से निकलते हैं, जब एलोकेशन होने के बाद ही सब निकलता है। ये सब कैसे करना है क्वेश्चन बताऊंगा, सब समझ आ जाएगा। अब टेस्ट कैसे होता है ऑप्टिमलिटी का, देखिए टेस्ट के लिए क्या करना होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन कब होगा, जब DIJ का मान 0 से बड़ा हो। नॉट ऑप्टिमल कब होगा, जब DIJ का मान 0 से छोटा हो। और अल्टरनेटिव ऑप्टिमल कब होगा, जब DIJ का मान 0 से बड़ा हो और इक्वल भी हो, एक भी अगर 0 मिल गया तो अल्टरनेट ऑप्टिमल होता है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया मेथड, पूरा MODI मेथड। ठीक, ये आपको MODI मेथड बता दिया मैंने। अब आपको क्वेश्चंस लगवाने हैं, और क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चन लगवाऊंगा, जो कि आपको 12 नंबर का क्वेश्चन आता है हर यूनिवर्सिटी में। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व और फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं या कॉस्ट बोल सकते हैं, पूरी एक सेल सब है। ठीक है, कॉस्ट सी ये सब है, 5, 3, 6, 6, 2, 4, 7, 9, 1। ठीक, ये अवेलेबिलिटी है, ये डिमांड है। ठीक, अब हम इससे पहले यूज़ करते हैं पेनाल्टी मेथड, या पेनाल्टी मेथड जो था उससे हम एलोकेशन कर लेंगे। देखिए पेनाल्टी मेथड आपको पता ही है, अगर ना पता हो तो हमारी पिछली वीडियो में आप जाइए, वहाँ से पेनाल्टी मेथड सीख लीजिए। मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया कैसे करना, 2 मिनट के अंदर पेनाल्टी मेथड से ये कर लेंगे। तो पेनाल्टी मेथड से क्या कैसे निकाला जाता है, देखिए P1 निकाली जाती है, P2, P3, P4। पेनाल्टी कैसे निकालते थे, 2 स्मॉलेस्ट से घटा के पेनाल्टी निकाली जाती है। ठीक है, अगर नहीं पता तो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, पेनाल्टी निकाल ली, अब अवेलेबिलिटी 0 हो गई, देखिए डिमांड भी आपका 0 हो गया। ठीक है, देखिए ये 18, 1, 12, 25, 4, 30 ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, एलोकेट कर लिया। ठीक, सबसे पहले आपको यही करना है, ये आप एलोकेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब ऑक्यूपाइड सेल जिसमें एलोकेशन हो, एलोकेट जिसमें ये जो 18 ये सब मान निकले होते हैं वही ऑक्यूपाइड सेल हो जाती हैं, वही भरी हुई सेल होती है, ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ। तो देखिए 18 x12 का मान 18, x11 x12 का मान 18, x13 का मान 1, x21 का मान 12, x24 का मान 25, x31 का मान 4, x33 का मान 30। ठीक, वही चीज़ मैंने लिख दी। ठीक, अब हम जानते हैं मिनिमम कॉस्ट का ट्रांसपोर्ट में निकालना होता है, तो वो निकाल दी, 355 आएगी। कैसे, 18 3। ठीक, 6 कम 6, इन सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ना जैसे पहले करते थे पेनाल्टी में, सेम वैसा ही आपको इतना कर लेना है, उसके बाद ही हम काम करने जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब उसके बाद ये जो होती है कॉलम में वो होती है U1 U2 U3। ठीक, जो रो में होती हैं, जो रो में होती हैं वो होती हैं V1 V2 V3 V4। ओके, ठीक, अब आप देखिए क्या, देखिए कितने इसमें रो में, सभी रो सभी कॉलम में देखिए
एक दो, इस रो में दो कॉल, दो एलोकेशन हुए, इसमें भी दो एलोकेशन हुए, इसमें भी दो एलोकेशन हुए, इसमें देखिए कॉलम में एक एलोके, दो एलोकेशन हुए, दो एक एलोकेशन हुआ, दो एलोकेशन हुए, एक एलोकेशन हुआ। जिसमें सबसे ज़्यादा रो या कॉलम में एलोकेशन होते हैं उस रो या उस कॉलम को हम जीरो पुट कर देते हैं, मैक्सिमम एलोकेशन वाले रो या कॉलम को जीरो मानो। ओके ठीक, आप जीरो मान लीजिए, ठीक है। मान लिया मैंने यू वन में दो दो थे एलोकेट, तो लेट यू वन बराबर जीरो। ठीक, एक फॉर्मूला था वैल्यू निकालने वाला, सी आई जी कैसे निकालते थे, यू आई प्लस वी जे। ओके, तो देखिए ये सी आई जे, यानी कि सी आई जे का मतलब सी आई जे, यानी कि सी वन वन हम किसका निकालते हैं, ये ऑक्यूपाइड होता है। सी आई जी में बताया था आपको पहले ही, सी आई जी मतलब क्या होता है, सी आई जी मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाइड सेल। ये हम ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालते हैं, यानी कि भरी हुई सेल जहाँ एलोकेशन हुआ हो। एलोकेशन किसका हुआ है, 3/8 इसका एलोकेशन हुआ है, यानी कि सी वन टू यू वन प्लस वी टू बराबर, इसकी कॉस्ट क्या है, सी मतलब होता है कॉस्ट, सी आई जी मतलब होता है कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या है, 3। अब यू वन को जीरो माना तो वी टू का मान 3 निकलाया। ठीक, ऐसे ही इसमें निकालते हैं, देखिए सी वन थ्री बराबर छः। ठीक, अब कैसे निकलेगा, यू वन प्लस वी थ्री, यू वन का मान 0, वी थ्री का मान 6, दो वैल्यूज निकाल लिया आपने। अब ऐसे ही एलोकेट ये हुआ है तो इसका निकालेंगे कैसे, सी टू वन बराबर यू टू प्लस वी वन का मान कितना है, C21 का मान मेरा कॉस्ट 4 है, 4 है। ठीक, अभी कैसे निकाला जाता है, देखिए U2 V1 की वैल्यू देखिए, देखिए U2 ये है, V1 ये है, ठीक, 4 इसकी कॉस्ट है, तो दो इधर सप्लाई कर दो 4 हो जाएंगे, तो U2 और V1 का मान दो दो आ गए। ठीक, ऐसे ही C24 ये एलोकेट हुआ, इसलिए C24 कितना आएगा, U2 प्लस V4, इसका मान 1 थी, कॉस्ट 1 थी, तो U2 प्लस V4। अब U2 कौन सी है, U2 ये है कॉलम में, V4 ये है, तो एक है, एक कॉस्ट है। ठीक, तो U2 का मान आपने पहले ही निकाल लिया 2, तो 2 पुट किया तो 2 में से 1 गया 1, 1 में से 2 गया 1, माइनस 1, तो V4 माइनस 1, ऐसे ही सब निकाल लेनी। ठीक है, V2 का मान, V3 का मान, U2 का मान, V4 का मान, U3, ये सब वैल्यूज निकाल लेनी, देख लीजिए आप सब वैल्यूज, आपको ये सब निकालनी विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक, जो एलोकेशन होता है उनका ही निकालते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था कि एक सेल में क्या क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेफ्ट में होता है वो CIG होता है, राइट में उसके UI प्लस VJ होता है, जो लोअर जो नीचे होता है वो होता है DIJ ही सब खेल होता है, DIJ से ही सब ऑप्टिमल्टी सोल्यूशन निकाली जाती है, DIJ से ही ऑप्टिमल्टी सोल्यूशन निकाली जाती है। आफ्टर दी फाइंडिंग दी दोज वैल्यूज, उसके बाद क्या करना होता है, ये जो शेल्स होती हैं इसमें एक शेल में CIJ UI प्लस VJ और DIJ निकालना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर CIJ क्या होता था, कॉस्ट, तो कॉस्ट आपकी क्या थी, देखिए आप क्वेश्चन में कॉस्ट क्या थी, 5 लिख दिया, 3 कॉस्ट 6 कॉस्ट 6 कॉस्ट 2 कॉस्ट 2 कॉस्ट 4 7 9 1 कॉस्ट 4 7 9 1 कॉस्ट 3 4 7 5 3 4 7 5। ठीक, ये कॉस्ट हो गई। अब यहाँ पर निकलता था UI प्लस VJ जो राइट मोस्ट कॉर्नर में होगा ऊपर में। ठीक, तो UI प्लस VJ कैसे निकालते थे, UI प्लस VJ के निकालने के लिए ये आप टेबल देखिए, ये टेबल। अब UI का मान अपने UI प्लस VJ मतलब U1 प्लस V1, तो U1 का मान 0 था, U1 का मान 0, V1 का मान क्या निकला था, V1 का मान निकाला था हम लोगों ने, V1 का मान 2, तो 0 प्लस 2 2। ठीक, अब यहाँ पर एलोकेट, देखो हमने क्या बताया था, हमने पहले ही आपको ये बता दिया था U1 UV UI प्लस VJ अनऑक्यूपाइड सेल के लिए होता है। ठीक है, ये पहले से एलोकेट हुई, यानी कि ये ऑक्यूपाइड है, इसमें निकालेंगे।